प्रमोद वन स्थित श्री जानकी निवास मंदिर में विरमिषि निमिया महाराज के स्मृति में उनके जीवन काल में लिए गए संकल्प के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए श्री जानकी मंदिर के महंत रघुवेंद्र दास महाराज के द्वारा श्री जानकी जी की प्राण प्रतिष्ठा 5 दिवसीय समारोह 19 फरवरी से अनवरत चला, जिसको वैदिक विद्वानों के द्वारा संपन्न करवाया जा रहा। मोद वन है, ये ब्रह्मऋषि निमिया जी महाराज के आश्रम से जाना जाता है और यहाँ पे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, महारानी जी की, जानकी जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और ये 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। आज चौथा दिवस है, कल 5वां दिवस है। आज भगवान प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान की और कल विनत भंडारा होगा। आज महाराज जी के सारे भगत जगत आए हैं, दूर दूर से, कई देशों में, विदेशों में और कई जिलों से जो महाराज जी के भगत हैं वो सब लोग आए हुए हैं और अयोध्या के संत लोग भी आते जा रहे हैं। भगवान शयन में कल थे, आज भगवान उठे हैं, शयन से, निद्रा से निकले हैं बाहर। आज भगवान का श्रृंगार होगा, भगवान की पोशाक पहनाया जाएगा और भगवान अपने श्री स्थान पर जाएंगे। ये रामलला की जो प्रतिमा प्रतिष्ठित हुआ है आज, ये तो हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। इतने दिन से इंतजार थी हम लोगों की, सनातन धर्म की ये पहचान है और इसी से हमारा सनातन धर्म जुड़ा हुआ है। और आज 20 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुआ था और आज 20 फरवरी को एक संयोग ही है कि हमारे यहाँ अभी मुहूर्त निकला और हमारे यहाँ महारानी जी का ये जानकी निवास है, माता जी यहाँ प्रकट हुई थी और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं लोग और सारे जितने भी राजनीतिक लोग हैं, इसमें कहीं भी किसी प्रकार का ये नहीं देखा जा सकता है कि आपस में किसी के मतभेद हो। सभी लोग भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान के प्रति आस्था है लोगों की और सारे लोग आ रहे हैं, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। कल कार्यक्रम में बृहद भंडारा है जी, महंत राघवेंद्र दास है। और बाबा रामचरण दास जी आज से 300 साल पहले बाबा रामचरण दास जी यहाँ जो है आए हुए थे, उनको जानकी जी स्वप्न में आई और स्वप्न में आने के बाद उनको पता चला कि इस स्थान पर जानकी जी की प्रतिमा अंदर जो है रहा है, उन्होंने खुदाई कराई, उससे जो है जानकी जी की प्रतिमा प्राप्त हुई, उन्होंने इस स्थान को फिर उनकी प्रतिष्ठा कराई और तब से ये जानकी श्री जानकी निवास है। और उसके बाद तमाम संत आए, फिर हमारे गुरु महाराज ब्रह्मऋषि निमिया जी महाराज आए। ब्रह्मऋषि निमिया जी महाराज ने इस जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में जानकी जी की और राम जानकी जी की मंदिरों की स्थापना की। हमारे पूरे भारतवर्ष में 300 से ज़्यादा स्थान हैं और सबका केंद्र बिंदु जो है हमारी अयोध्या। भंडारा है, जानकी जी का पुनर्धार, मंदिर का जीर्णोद्धार करके जानकी जी की पुनः प्रतिष्ठा कराई जा रही है और पूरे भारतवर्ष में हम लोग इस चाहते हैं कि इसका प्रचार प्रसार हो और जानकी जी का दर्शन प्राप्त हो लोगों को और लोगों का कल्याण हो। इनकी प्रतिष्ठा हो रही है और कल जानकी जी के लिए प्रसाद भंडारा, जानकी जी का प्रसाद भंडारा वितरित होगा। जो भी जहाँ भी तक इसको जानना चाहे, आना चाहे, प्रसाद लेना चाहे, वो आए और उसका स्वागत है। अरुण कुमार त्रिपाठी, मैं बनारस से हूँ, काशी से।